हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडिल्यूमिनेसेंस पर। आज मैं लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे थैलेसीमिया की। तो क्योंकि मैंने इससे पहले एनीमिया के वीडियोस बनाए थे तो मैंने बोला था कि ये बहुत लंबा चलने वाला है, तो पार्ट थ्री में हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे अल्फा थैलेसीमिया की और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बीटा थैलेसीमिया की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। थैलेसीमिया वर्ड एक्चुअली आया कहाँ से? हर एक डिजीज़ का जो नाम होता है वो किसी कारण से रखा जाता है, तो इसी तरह थैलेसीमिया जो है वो दो टर्म से मिलकर बना है, एक है थैलेसा और दूसरा है ईमिया हाइमा। हाइमा और ईमिया का मतलब तो हम जानते ही हैं, ब्लड होता है सफिक्स, और थैलेसा मतलब होता है सी। तो क्योंकि ये जो डिजीज़ है सबसे पहले मेडिटेरेनियन सी जो है उसके आसपास के इलाकों में देखा गया, तो वहाँ से इसका नाम जो है वो क्या रख दिया गया, थैलेसीमिया रख दिया गया। बात करते हैं ये एक्चुअली है क्या। ब्लड का डिसऑर्डर ये तो सभी जानते हैं, बट इसकी मैं बात करूँ डेफिनेशन की तो ये क्या है। थैलेसीमिया इज़ एन इनहेरिटेड इम्पेयरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन इन विच देयर इज पार्शियल और कंप्लीट फेलियर टू सिंथेसाइज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लोबिन चेन। हीमोग्लोबिन में दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है हीम, एक होता है ग्लोबिन। और ग्लोबिन में दो तरीके की चेन्स होती हैं, एक अल्फा ग्लोबिन एक बीटा ग्लोबिन। तो थैलेसीमिया ऐसा इनहेरिटेड इम्पेयरमेंट है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में जिसमें कि क्या होता है कि या तो अल्फा चेन या तो बीटा चेन, दोनों में से कोई एक चेन प्रॉपरली नहीं फॉर्म हो पाती है, और इसके वजह से जो हीमोलाइटिक एनीमिया प्रोड्यूस होता है उसे कहा जाता है थैलेसीमिया। तो क्योंकि दो तरीके की चेन्स होती है इसलिए दो तरीके का थैलेसीमिया होता है। अल्फा चेन में प्रॉब्लम है तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन में प्रॉब्लम है तो बीटा थैलेसीमिया। तो क्योंकि हमारे वीडियो होने वाली है अल्फा थैलेसीमिया पर, तो हम शुरू करते हैं आज अल्फा थैलेसीमिया के बारे में। अल्फा थैलेसीमिया जो है उसमें क्या होगा कि जो पेशेंट है उसमें अल्फा चेन या तो रिड्यूस्ड बनेगी या एब्सेंट हो जाएगी। और ये जो डिजीज़ है ये किन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है, जो साउथ ईस्ट एशिया के लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादातर पाया जाता है। बात करें हम जेनेटिक्स की कि भाई आखिर क्या जेनेटिक्स रहती है इन पेशेंट्स की, कि क्या जेनेटिक प्रॉब्लम इनमें क्रिएट होती है जिसके वजह से अल्फा थैलेसीमिया प्रोड्यूस हो जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं हर प्रोटीन बनाने के लिए एक स्पेसिफिक जीन लगता है, ठीक वैसे ही अल्फा चेन जो कि एक्चुअली प्रोटीन्स की है उनके लिए भी जीन लगता है। तो क्रोमोसोम 16 पर अल्फा जीन होते हैं दो, मतलब अल्फा जीन के दो लोकाय होते हैं। तो इस हिसाब से एक क्रोमोसोम पर हुए दो, तो दो पर कितने हुए क्योंकि पेयर में है क्रोमोसोम, तो कितने हुए चार। तो हर एक ह्यूमन के अंदर कितने टोटल अल्फा जीन एलील्स हो गए, चार हो गए। तो अब इन चार में से कोई एक दो तीन जो भी डिलीट होते हैं या उनमें कोई इम्पेयरमेंट आता है या उनमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट या म्यूटेशन क्रिएट होती है तो जो है अल्फा थैलेसीमिया होता है। अगर इस बात को मैं आपको डायग्राम से बना के बताऊँ तो कैसे, आइए देखते हैं। देखिए समझ लीजिए, ये जो है ये दोनों क्रोमोसोम 16 है, ये एक ये दो, ठीक दोनों में ये चार आपको रेड लाइंस दिख रही होगी, ये क्या है, ये लोकाय है किसके, अल्फा जीन के, एक दो तीन चार, ठीक है। एक हम में आया मदर से, एक आया हम में फादर से, ठीक इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो ये चार लोकाय हो चुके हैं। अब मान लीजिए इनमें से एक एक आप गायब कर दीजिए जो भी पेशेंट होगा, ठीक, तो इसमें से इस तरीके से चार कंडीशंस बन के आएगी। कंडीशन नंबर वन जिसमें क्या होगा कि आपका जो पेशेंट है उसमें कोई एक लोकाय से एक जीन एलील जो है वो या तो गायब रहेगा या उसमें म्यूटेशन हो जाएगा या वो इनएक्टिवेट, कह लीजिए इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो बाकी तीन रहेंगे। तो बाकी तीन जो है सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, खुद ही सारा काम कर देंगे, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए जो पेशेंट रहेंगे जिसमें एक में इनएक्टिवेशन होगा उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई क्लिनिकल सिम्टम उनमें दिखाई नहीं देगा। बात करें सेकेंड नंबर के केस की, तो सेकेंड नंबर के केस में क्या होगा, कोई दो एलील्स जो है वो इनएक्टिव या डिलीट हो जाएंगे। तो ऐसे पेशेंट में
बस माइल्ड हाइपोक्रोमिक एनीमिया रह सकता है, ऐसी कोई बड़ी कंडीशन उनको देखने को नहीं मिलती। फिर हम बात करते हैं थर्ड नंबर के केस की, जिसमें क्या होगा कि तीन एलील्स जो हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे या डिलीट हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में होगा पेशेंट को हीमोग्लोबिन एच डिजीज़। ये क्या होता है ये हम अभी आगे जानेंगे। फिर हम बात करें फोर्थ नंबर के केस की, जिसमें कि सभी के सभी एलील्स जो है वो इनएक्टिवेट हो जाए या फिर डिलीट हो जाए, तो जो पेशेंट होगा या जो बेबी होगा, इनफैक्ट वो स्टिल बर्थ होगा, ठीक, और वो किस वजह से, क्योंकि जो बच्चा रहेगा उसमें हाइड्रॉप्स फिटेलिस नाम की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। हाइड्रॉप्स फिटेलिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि क्या होगा, जो बेबी रहेगा उसकी जो अपियरेंस है, या हम बोल सकते हैं उसकी पूरी बॉडी जो है एडिमेटस हो जाएगी, इस पर पूरे में स्वेलिंग आ जाएगी। और इस स्वेलिंग के पीछे कारण क्या होता है, देखिए, क्योंकि पेशेंट के अंदर चारों ही अल्फा जीन के एलील्स नहीं है, तो अल्फा चेन तो बनने से रही, जब अल्फा चेन नहीं बनेगी तो जो आपका बेबी होगा या जो फीटस होगा उसमें HbF में सिर्फ कौन सी चेन्स रहेगी, गामा चेन्स। तो क्योंकि अल्फा चेन नहीं है तो गामा चेन्स मिलकर एक टेट्रामर फॉर्म कर लेगी, जिसे हीमोग्लोबिन बार्ट्स कहा जाता है। हीमोग्लोबिन बार्ट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी रखते हैं, तो वो इतनी तेज़ बाइंड हो जाते हैं ऑक्सीजन से कि वो उसको ज़रूरत पड़ने पर रिलीज़ ही नहीं करते, और जब वो रिलीज़ नहीं करेंगे तो टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन कैसे पहुँचेगी। तो इस तरीके से जो बेबी की बॉडी, जो फीटस है, फीटस में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पाएगा और फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट होने लगेगा उसकी बॉडी में, तो इस तरीके की जो कंडीशन है वो हाइड्रॉप्स फिटेलिस हो जाएगी और इससे जो है बेबी की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन एच डिजीज़, मैंने एक बात कही थी केस नंबर 3 में, वो क्या होता है, तो क्या होता है जब किसी पेशेंट के बॉडी में अल्फा चेन्स कम है, तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी में कौन से चेंज ज़्यादा होगी, बीटा चेंज ज़्यादा होगी। तो बीटा चेंज ज़्यादा होने के कारण एक जो हीमोग्लोबिन है वो टेट्रामेरिक फॉर्म में आ जाता है, इसी को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन एच, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन एच है ये बिल्कुल यूजलेस है एक तरीके से, क्यों, क्योंकि इसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने का, जो कि ये ठीक से कर नहीं पा रहा है। तो ये जो कंडीशन है इसमें पेशेंट्स को काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। बात करते हैं हम सिम्टम्स की, कि क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो माइल्ड केसेस में तो आपको नॉर्मल वही पेल स्किन, फटीग और लॉस ऑफ एपेटाइट और ये सारी कंडीशंस देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हम बात करें हेमोग्लोबिन एच डिजीज़ की तो और भी सीवियर कंडीशंस इसमें देखने को मिल सकती है, जैसे कि हेडेक हो सकते हैं, हेडेक माइल्ड के साथ सीवियर भी हो सकता है, और चेस्ट पेन, इसके अलावा स्लोड ग्रोथ, जो बेबी रहेंगे उनकी जो ग्रोथ रहेगी वो काफ़ी स्लो हो जाएगी, जॉन्डिस हो सकता है हीमोलाइटिक एनीमिया के कारण, और इसके अलावा क्योंकि हीमोग्लोबिन की एक तरीके से कमी आ रही है, तो जो बॉडी रहेगी वो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करेगी, एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोएसिस चालू कर देगी, तो इसके वजह से क्या होगा, लिवर और स्प्लीन का साइज जो है वो बढ़ जाएगा, और जो फ्रंटल बोन है उसमें भी हेमाटोपोइसिस चालू हो जाएगा, तो उसके वजह से जो क्या कहना चाहिए, जो फ्रंटल बोन का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से बोन रिलेटेड इश्यू भी देखने को मिलते हैं। बात करते हैं हम डायग्नोसिस की, कि कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि किसी बंदे को अल्फा थैलेसीमिया है। तो इसके लिए सबसे पहले ब्लड टेस्ट लगाया जाएगा। ब्लड टेस्ट में क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हीमोग्लोबिन कंटेंट काफ़ी कम है। हीमोग्लोबिन कम होने के बाद MCV, MCH, ये सारी चीज़ें भी, इनकी ये भी वैल्यूज़ जो है वो कम आएगी। फिर इसके बाद ब्लड स्मियर देखे जाएँ तो उसमें माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलेगा, और गोल्फ बॉल के साइज़ की, मतलब के जैसी RBCs देखने को मिलेगी। फिर हम बात करें, क्योंकि आपको एकदम कंफर्मेशन करना है कि हाँ ये अल्फा थैलेसीमिया का केस है, तो उसके लिए सबसे सही तरीके का डायग्नोसिस होगा HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा कि इस तरीके से आप ये जिस तरीके के स्लाइड्स देख रहे हैं इनके मदद से पता चलेगा कि पेशेंट के बॉडी में कौन सा हीमोग्लोबिन कितना ज़्यादा है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर HbH यानी कि हीमोग्लोबिन एच नहीं होता है, तो यहाँ पर कोई ऐसी बार नहीं आएगी,
और जबकि अगर पेशेंट अल्फा थैलेसीमिया का पेशेंट है तो उसमें HbH प्रेजेंस शो होगा। और फिर इसके बाद में अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है विद फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, और आयरन कीलेशन थेरेपी दी जा सकती है क्योंकि हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के कारण जो एक्स्ट्रा काफ़ी सारा ही आयरन जो है बॉडी में इकट्ठा हो सकता है, तो उस आयरन को हटाने के लिए बॉडी से आयरन कीलेशन थेरेपी दी जाती है। तो ये था अल्फा थैलेसीमिया। अब अगर आपको देखना है कि बीटा थैलेसीमिया क्या होता है, कैसे होता है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे की वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल एडिल्यूमिनेसेंस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।